जैन साधु क्या है, किसे कहते हैं? जैन साधु किसे कहते हैं जिसके पैरों में जूता नहीं, जिसके पैरों में जूता नहीं, सिर पे छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, परिवार से नाता नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जिसके तन पर कपड़ा नहीं, वचन में लफड़ा नहीं, मन में झगड़ा नहीं, जीवन में बखेड़ा नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जिसका कोई घर नहीं, किसी बात का डर नहीं, दुनिया का असर नहीं, जिससे बड़ा सुपर नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जिसके पास बीवी नहीं, साथ टीवी नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, नाश्ते में जलेबी नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जो कच्चे पानी को छूता नहीं, बिस्तर पर सोता नहीं, होटल में खाता नहीं, उपसर्ग आ जाए तो रोता नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। और ये चार पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिसे नाई की जरूरत नहीं, ये सुनज करता, जिसे नाई की जरूरत नहीं, जिसे तेली की जरूरत नहीं, जिसे सुनार की जरूरत नहीं, जिसे लोहार की जरूरत नहीं, जिसे व्यापार की जरूरत नहीं, जिसे दर्जी की जरूरत नहीं, जिसे धोबी की जरूरत नहीं, फिर भी सबको धोता है, उसे कहते हैं जैन साधु। तो इतना सब त्याग करके साधु को मिलता क्या है? हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इतना सब कुछ करने के बाद, त्याग करने के बाद साधु को मिलता क्या है? तो ये बात समझ लीजिए कि जैन धर्म में साधु होना, मुनि होना आदमिदम कादब्बम, जो तीर्थंकर की वाणी है, उन्होंने कहा आदमिदम कादब्बम, सबसे पहले आप अपने आत्मा का हित करिए। तो मैं अगर मुनि बना, साधु बना, तो मैं दुनिया को सुधारने के लिए नहीं बना, पहले मुझे अपने को सुधारना है, अपने मन को सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है। और अगर इसमें से समय बचता है तो समाज सुधार के लिए जो भी मेरे से सेवा हो सकती है वो मैं करता हूँ। तो क्या मिलता है? मन की शांति, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।